हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक नई तमिल मूवी जिसका नाम है भूमि। ये आपको तमिल, तेलुगु और मलयालम इन तीनों ही लैंग्वेजेस में वहाँ पर देखने को मिल जाती है विद इंग्लिश सब टाइटल्स। और अब मैंने किस में देखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती है, पर मुझे समझ में आता है कंटेंट भी, और इसी वजह से मैं हमारे इंडिया की मैक्सिमम अलग अलग लैंग्वेजेस वाली मूवीज़ देखता हूँ और उसका रिव्यू करता हूँ। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। यार बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, तो इसकी ओवरऑल लेंथ है 2 घंटे 8 मिनट और इसमें हमें नजर आते हैं जयम रवि, जिनकी ये 25th मूवी है। हालांकि मैंने इनकी ये पहली मूवी देखी है, इनकी 24 बाकी की 24 मूवी कैसी थी वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, और शायद मैं इस मूवी के बाद उनकी और मूवीज़ देखना चाहूँगा। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है भूमिनाथन AKA भूमि से, जो कि रहता है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में। अब ये एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया नासा में, और नासा वाले इसके काम से इतने ज़्यादा खुश है कि भूमिनाथन को वो लोग मार्स भेजना चाहते हैं फार्मिंग के लिए। अब वो क्यों भेजना चाहते हैं वो तो आपको इस मूवी के स्टार्टिंग के पोर्शन में पता चल जाएगा। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भूमिनाथन डिसाइड करता है कि वो मार्स के मिशन पे जाने से पहले वो 1 महीने के लिए अपने गाँव जाना चाहता है। गाँव जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके गाँव के फार्मर्स एक अलग लेवल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद भूमिनाथन क्या डिसाइड करता है, फिर उसके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो टू बी रियली ऑनेस्ट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। इनफैक्ट ये अब इतनी बार यूज हो चुका है कि वो यूज हो के घिस गया पूरी तरह से। खैर, फिर से दोबारा हम लोग इस मूवी में इस पर्टिकुलर फार्मर्स इशू को देखते हैं, तो एक मोमेंट पे वो ओके लगता है, लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है वो ओवर द टॉप चले जाता है। और मेरे हिसाब से मैं इतना ही बोलूँगा कि ये मूवी ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है, ये मूवी दोनों के बीच में है, और मेरे हिसाब से तो ये वर्थ वॉच नहीं था। लेकिन अगर आपके लिए होगा तो ये आपका अपना डिसीजन, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो भूमिनाथन के कैरेक्टर को छोड़ के कोई भी ऐसा कैरेक्टर है नहीं जिसको सही से लिखा हो, तो कैरेक्टराइजेशन में मुझे ये मूवी वीक लगी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की बात करो तो यस, यहाँ पर ये मूवी बाजी मारती है जिस तरीके से वो सारी बैकग्राउंड की चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की है, और जो जो चीज़ें यहाँ पर बताइए सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी, BGM ओके है। और अगर सॉन्ग्स की बात करो तो यार मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन वो सॉन्ग सुनने में भी इतने कुछ खास नहीं लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि सॉन्ग जबरदस्ती के वहाँ पर घुसाड़ा गया जहाँ पर जरूरत भी नहीं थी। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो यहाँ पर एक बात कहनी पड़ेगी कि जयम रवि ने अपने हिस्से के रोल को बहुत 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 अच्छी तरह से निभाया, और बस वही एक एक्टर है इस पूरी मूवी में जिनको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ यह मूवी थोड़ी बहुत बच सकती है। और अगर रोनित रॉय की बात करूँ तो वो यहाँ पर एक ऐसे कॉरपोरेट ओनर का रोल प्ले कर रहे हैं, समझ लो उनके रोल के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि आपको पता है कि बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज है, अलग अलग ब्रांड्स है, हमको लगता है कि यार हम लोग इस पर्टिकुलर ब्रांड को अगर बैन कर देंगे तो हम लोग दूसरे ब्रांड को यूज़ करेंगे, यानी कोई भी रीजन्स हो सकते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि भाई इस चीज़ को बैन करो उस चीज़ को बैन करो, लेकिन हमको ये चीज़ तो पता होती नहीं कि भाई कंपनी के नाम अलग है लेकिन जो ओनर है वो एक ही है। तो समझ लो कि वो एक ओनर का रोल यहाँ पर प्ले किया है रोनित रॉय ने, के परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ, वो इसलिए क्योंकि यार रोनित रॉय इतना अच्छा विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने बॉलीवुड की एक मूवी आई थी काबिल, उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो फोर्सफुली काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने दिल से नहीं कर रहे, पता नहीं। स्टार्टिंग जो उनकी एंट्री होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और उस एंट्री से मुझे लगा कि यार बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन उसके बाद यार पता नहीं क्यों वो इस पर्टिकुलर रोल में मुझे सूटेबल नहीं लगी, या शायद वो मेरा देखने का नज़रिया था। लेकिन अगर आपको रोनित रॉय इस पर्टिकुलर रोल में अच्छे लगते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया वो अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। निधि अग्रवाल की बात करूँगा तो वो एक्ट्रेस क्यों है, किस लिए है, उसको फिल्म इंडस्ट्री में लाया किसने, और उससे काम करवा रहा कौन है, और अगर उसको पेमेंट दे के काम करवा रहे तो यार शर्म आनी चाहिए तुम जितने भी प्रोड्यूसर्स है भाई, मतलब कुछ भी क्या है, या कम से कम उस लड़की को ऐसा रोल दो कि ऑडियंस देखे तो लगे, या वो कर नहीं पाएगी या तुम लोग को उस पर होप नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इस मूवी में उनको
यूज क्यों किया ये अभी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मेरे अलावा पेट्रोइडिज्म का आपको यहाँ पर ओवरडोज मिलेगा यार। एक लिमिट तक हमको समझ में आता है कि यार पेट्रोइडिज्म है, हमारे फार्मर्स जो हमारे देश की जान है उनके वजह से हम लोग खा रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस चीज़ को एक अलग लेवल पर लेके चले गए, यानी कि जहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि पेट्रोइडिज्म के नाम पर ओवर कर रहे हैं। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यहाँ पर जो एक सॉन्ग है बस उसमें हल्का फुल्का स्मूचिंग के सीन से, यानी कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसे एडल्ट सीन मुझे तो नज़र नहीं आया, अगर आपको तमिल तेलुगु या मलयालम लैंग्वेज आती है तो, और अगर आप लोग जे एम रवि के फ़ैन हो तो ये आपको उनके लिए एटलीस्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनके फ़ैन नहीं हो तो आप शायद ये मूवी को नहीं भी देखोगे तो कुछ भी ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 5/10। वीडियो में इतना है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तिल दिन धुआं में याद रखना, बाय।